हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज़ चेक, क्लास चल रहा है क्या? इज इट वर्किंग फाइन? देयर इज अ टेक्निकल इशू द कैमरा, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट। हाय अंकित, हाय राहुल, हाय सीमा। ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग राइट। चलिए, ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। ऑल द न्यू गाइज इन द हाउस, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यू कैन यूज माई फोन नरेन के एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द ऑलराइट। क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास स्टार्ट हो गया है। आप पार्टिसिपेट कीजिए अनअकैडमी कॉन्वेंट में, आपके लिए बड़ा जरूरी है फॉर योर रिविजन। सो मेनी वंडरफुल एजुकेटर्स, इन सबके बैचेज 7th of July से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा भी बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश का तो टेंशन हो जाए, फ्री हो जाइए आप। ऑलराइट, जुलाई ऑफर्स बैंक एग्जाम के लिए अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफ 1 ईयर, 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्राइस 5850। 1 ईयर का है कितना? 6500। और इसमें नरेन के आप कोल्ड लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप आई थिंक यूज कर रहे हैं, सब लोग पढ़ते रहिए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट पैराग्राफ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, बाकी ऑफलाइन देख लेंगे। ठीक है, जो जो आ गया है आप पढ़िए। हमारे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ, चार पैराग्राफ है, उसके बाद में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कितना एरर आप निकाल सकते हैं? आइए, चलिए रिवीजन करते हैं। सबने डन कर दिया? ऑलराइट, एक बार लिंक शेयर कर दो, सबको इन्फॉर्म कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया है। चलिए, इस मंथ में बहुत सारी क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा रिवीजन होगा आप सबका। चलिए साथ में कर देते हैं, थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सब लोग देख लीजिए। हाँ, द यूज ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, ऑलराइट, द यूज आर्टिकल हमें यहाँ पे द चाहिए। ये समझ में आ गया था, द नाउन ऑफ नाउन एवरीवन। कितने लोगों ने समझ लिया नाउन ऑफ नाउन वाली स्ट्रक्चर? द यूज ऑफ ड्रोन्स टू अटैक एन इंडियन एयरफोर्स जम्मू। ठीक है, इन जून नहीं होगा, जब डेट इज गिवन ना, ऑन प्रीपोजिशन इज यूज्ड। ओके, ऑन जून 2028 हैज ब्रॉट, माय फ्रेंड, डेट इज गिवन, इफ डेट इज गिवन सिंपल पास्ट है ना, तो ये हैज गलत है। ओनली ब्रॉट टू द फॉर
और ब्रिंग टू द फोरे का मतलब होता है जब चीज़ कोई हाईलाइट की जाती है, फ्रंट पे आती है, डिस्कशन में आती है। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर ट्रेवलिंग दो नॉट अनएंटिसिपेटेड, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं था, ठीक है, या मतलब जो हमने सोचा नहीं था। एंटिसिपेट मतलब आप सोच लेते हो, अनएंटिसिपेटेड मतलब नहीं सोचा। न्यू मोड ऑफ टेररिज्म फॉर द कंट्री, एक नया तरीका ही आ गया है, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा अटैक भी हो सकता है। दो देर वॉज नो कैजुअल्टीज, गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट कैजुअल्टीज मीन्स प्लूरल, और प्लूरल होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आना चाहिए था। अंडरस्टूड? एट द फेस द फैक्ट दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट, डू यू रिमेंबर दैट फ्रेज आई यूज टू हाईलाइट, रेज योर हैंड इफ यू रिमेंबर, कम ऑन। एक नंबर होता है जब किसी बात को बार बार हाईलाइट किया जाए तो, ठीक है ना, लिख लीजिए सब लोग। द फैक्ट दैट, ऑलराइट, देयर वर एट लीस्ट टू मोर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स टू यूज ड्रोन्स टू अटैक मिलिट्री टारगेट्स पॉइंट्स टू द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म। एक अटैक हुआ, उसके बाद दो अटैक और हुए, और ये नए तरीके का टेररिज्म हुआ है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। नाउ अर्पित, कैजुअलिटी समझते हो ना, डेथ या प्रॉब्लम्स या कुछ, तो एक ही थोड़ी होगी, ठीक है। हम लोग तो जनरल सेंस में यूज करेंगे, ज्यादा लोगों के लिए यूज करेंगे जब भी कोई अटैक होता है, ऑब्वियसली। ओके, द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी ड्रोन्स, ऑटोनोमस, अब पता है क्या है, यूएवी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन अपोजिशन, APOSITION, आई ऑलवेज टॉक अबाउट ना, व्हेन एवर देयर इज अ फिनोमेना हियर देयर इज अ कॉमा, सो द कॉमा का सेकंड पार्ट मींस दिस पार्ट, द पार्ट आफ्टर कॉमा विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। यस और नो? यस और नो? कम ऑन। ऑलराइट, ठीक है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम यूएवी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम एंड रोबोटिक सोल्जर्स बाय स्टेट इन बॉफेन एंड पुलिसिंग हैज रेज्ड, हैज नहीं होगा, हैज होगा, हैज, हैव नहीं होगा, व्हाट डू वी नीड, हैज, कैसे पता चला, द यूज ऑफ यूएवी, और इसका डायरेक्ट वर्ब इधर है, पहचान लिया आप लोगों ने। देन सर व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा स्टोरी, अंडरस्टूड, थम्स अप दीजिए। ऑलराइट, सही सब्जेक्ट सही वर्ब ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हैज रेज्ड मोरल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड, इस तरह के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स हैव कॉट अप, देखिए कैचअप का पास्ट क्वार्टर हो गया, इसका मतलब होता है जैसे एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल, उसके मार्क्स आ रहे थे 89 आउट ऑफ 100, दूसरा बंदा उसके आ रहे थे 45 वाला 89 पे आ गया और 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, तो उसने बहुत जल्दी क्वार्टर कर लिया कि नहीं। ऑलराइट, सो अप चाहिए था हमें, कॉट अप, करेक्ट फ्रेजल वर्ब, तो इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज हुआ था यहाँ पे। Caught up quickly. In 2008, Syrian rebels used homemade drones to attack Russian military base in Syria. Later, the same year. Ladies and gentlemen, have I ever told you the same is an adjective? उसके साथ एक noun आता है. Yes or no? Yes or no? Come on. Do you remember? All right. The same adjective भी बन जाता है. The same pronoun भी बन जाता है. जब the same अकेला अकेला खड़ा हो तो. ठीक है, राइटर उसको एडजेक्टिव यूज करते हैं द सेम, या द सेम ईयर वेंचुअली प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो हैड अ नैरो एस्केप आफ्टर ड्रोन फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एक्सप्लोडेड अ शॉर्ट डिस्टेंस, डिस्टेंसी नाउन। ऑलराइट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, यस। स्टेट मतलब गवर्नमेंट मींस कंट्री, नॉन स्टेट गाइज एंटी एस्टेब्लिशमेंट टेररिस्ट, द ओके द गाइज लाइक नक्सलाइट्स टेररिज्म, और सो मैनी गाइज जो एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी नेशनल, नॉट गवर्नमेंट बट एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब नॉन एक्टर्स होते हैं।
अगर मैं भी अपने देश के खिलाफ कुछ भी उल्टा करता हूँ जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मेरी पुलिसिंग समझ लो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, मेरी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और नेशन की सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आई विल बी अ नॉन स्टेट एक्टर. अंडरस्टूड? बट आई एम नॉट, आई लव माई कंट्री. जय हिंद. ऑलराइट, okay, bring to the fore, to move something forward, catch up, to reach the same value standard as someone or something else. Dusron ke barabar pahunch jana, catch up. Are you guys playing catch up? All right, non-state actor, chali samajh mein aaya, explode, vindictive, having or showing a wish to harm somebody, badle ki bhavna, khoon bhari mang. All right, censure, criticism, policy, job of controlling, aage policing karna hota hai, police ka kaam karna hai. Alright, the fun fact about Indian Air Force पढ़ लेते हैं. वी आर प्राउड ना, इंडियन एयरफोर्स जब बात आती है तीनों में तो सबसे टॉप पे एयरफोर्स आता है जो हमें पसंद आता है हम सबको. Alright, हाँ आज थोड़ा सा बहुत टेक्निकल इशू है, सो प्लीज़ वेयर विद मी. Alright, तो IAF इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड. यहाँ ओनली द US, रसिया एंड चाइना आर अहेड ऑफ इंडिया. ठीक है, US है, रसिया, चाइना, उसके बाद हम लोग आते हैं. इंडियन फोर्स मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाइल रेस्क्यू उत्तराखंड फ्लस. द मिशन ऑफ रेस्क्यू सिविलियंस वॉज नेम्ड राहत ड्यूरिंग दिस. ऑलराइट, चलिए, राहत हमारा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा. ऑलराइट, ओके, रिकॉर्ड था, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये. October 8 is celebrated as the Indian Air Force Day. On this day, the Air Force in India was officially raised 90 as the support. Okay, याद रखिए, the first operational squadron came into being in April 1933. All right, number two, paragraph number two. चलो साथ में सॉल्व करते हैं, लास्ट के क्वेश्चन करने मजा आएगा. ठीक है, तो स्टोरी इज अबाउट इंडियन एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ है, ड्रोन्स के थ्रू हुआ है. ये कैसी आर्मी है, समझ गया, जिसमें कोई इंसान नहीं है तो बहुत ही डेंजरस है ये तो. ऑलराइट, इसके लिए लोग रेडी भी नहीं है अभी तक, बट अब ये होने लगा है. इन 2019 हाउ द रिबल्स क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन यूजिंग ड्रोन्स. ये लोग ड्रोन से उन्होंने कुएं उड़ा दिए, तेल वाला एरिया. न्यू मोड्स ऑफ सबोटेज, सबोटेज तोड़फोड़ कर देना. एंड वायलेंस इनेबल्ड बाई टेक्नोलॉजी रिड्यूसिस रिड्यूस न्यू मोड्स ऑफ सबोटेज, न्यू मोड्स नए तरीके, फ्लोरल फ्लोरल रिड्यूस वॉट कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट वाइल इंक्रीजिंग इट्स देयर इफिकेसी. नए नए तरीकों का जो इफेक्टिवनेस है, ड्रोन से अटैक कर रहे हो, कोई आपको पकड़ ही नहीं पाएगा कहाँ का आदमी है, कहाँ का इंसान है, जेल नहीं हो पाएगी. ड्रोन्स को क्या करो, जेल में डाल दो ड्रोन्स को, गैरेज में, है ना, कचरा हाउस में. Simultaneously, security agencies would find conventional tools, okay, redundant in combating terrorism. All right, conventional tools जो हमेशा से जो चलते आ रहे हैं, redundant मतलब obsolete, not required anymore. All right, terrorism may not require may, might, can, could, shall, should. V1 first form requires is fifth form we need V1 require. Understood? Organizations as individuals with sufficient motivation and skills can carry out such attacks and remain under the radar as the drones they use. अब हमारे पास एज आया हुआ है, एज वर्सेस लाइक. मैंने आपको हमेशा बताया कि नहीं, एज के बाद में सब्जेक्ट वर्ब होता है और लाइक के बाद में ओनली नाउन होता है, याद करो. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, लाइक द ड्रोन्स, और दे यूज इज अ डिफरेंट पार्ट. लाइक द ड्रोन्स, लाइक इज यूज फॉर वन जब नाउन होता है हमारे पास. द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग द प्रोलीफरेशन, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है उसको कंट्रोल करना, स्पेशली नेगेटिव चीज़ को. टेक्नोलॉजी दैट कैन बी वेपनाइज्ड, WEAPONISED, वेपनाइज्ड, कैन बी प्लस बी थ्री फॉर्म, सच एज द वसेनार अरेंजमेंट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम.
इज ऑल्सो लार्जली यूजलेस इन द इमर्जिंग सिनारियो. लार्जली लाइक वेपनाइज्ड रिक्वायर ओके कन्वेंशनल देयर एफिकेसी रिड्यूस. इतनी सारी स्टोरी थी हमारी. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन का एरर, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म और सब्जेक्ट वर्ब और टेंस सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं कि नहीं. आप एग्ज़ाम में देते हो, आपको पता है, मॉक टेस्ट में देते हो, किताबों में पढ़ते हो और मेरी क्लास में भी. तो मैं वो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पढ़ा देता हूँ. एडवांस लेवल हाईएस्ट लेवल के लिए आपके लिए प्लस कोर्स है. ज्वाइन द प्लस कोर्स, सिंपल ना. अंडर द रडार टू गो अननोटिस. ठीक है, आई प्लान टू स्टे बिलो द रडार. सबोटेज कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, डैमेज. एफिकेसी इफेक्टिवनेस कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एंड ऑर्डिनरी नॉर्मल पुराना वाला. ऑलराइट, रिडंडेंट. आपको याद है हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना कि सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, ऑब्सोलीट, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा. जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं बचती है. तो अपने अंदर इतना टैलेंट लेके आओ कि कभी भी आप रिडंडेंट ना हो जाओ. प्रोलीफरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. टू इंक्रीज अलॉट एंड सडनली नंबर, एक साथ बहुत कुछ बढ़ जाना, चाहे कुछ भी हो सकता है. हाउ राइट, चलिए नंबर थ्री लास्ट के. हाँ, कैट वाला वर्ड. लास्ट के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, फोकस करेंगे. आइए, तो स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया है वो ओके सॉट टू डील विद टेररिज्म विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज, इन्वेसिव सर्विलेंस, हार्शर पॉलिशिंग एंड ऑफेंसिव अगेंस्ट अदर कंट्री दैट सपोर्ट टेररिज्म ग्रुप्स. अब बहुत सारी कंट्रीज हैं और उनमें से इंडिया भी, इन लोगों ने टेररिज्म को कैसे फाइट कर रहे हैं, पुलिस के थ्रू बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कानून लेके आ रहे हैं. जिस कंट्री में ये चल रहा है टेररिज्म, उनके खिलाफ एक्शन ली जा रही है. तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू इंडिया और अदर कंट्रीज टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं. आइए और देखते हैं. या नो एरर, दिस अप्रोच हैज ओनली हैड लिमिटेड सक्सेस. लेकिन इसकी बहुत ही लिमिटेड सक्सेस हुई है इस अप्रोच की. इन इंश्योरिंग पीस एनीवेयर व्हाइल द ह्यूमन मटेरियल कॉस्ट हैव बीन हाई. ह्यूमंस मर रहे हैं, ठीक है ना, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये जो तरीके हैं काम नहीं आ रहे हैं टू फाइट द टेररिज्म. याद रखिए ऐसे राइटिंग में आपको ये ऊपर की चार लाइनें सुपर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. अंडरस्टूड? ऐसे राइटिंग. द एक्सपोनेंशियल प्रोलीफरेशन, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा, स्काई रॉकेटिंग. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, दिन दूना रात चौगुना वाली बात, एक्सपोनेंशियल. Proliferation of new technology and artificial intelligence vertically and horizontally will make the task of combating terror even more challenging. इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी उनके पास भी पहुंच रही है, टेररिस्ट के पास पहले पहुंच रही है शायद. द जम्मू ड्रोन अटैक, इंडियन अथॉरिटीज रिपोर्टेडली सस्पेक्ट, डाउट कर रहे हैं, वॉज कैरिड आउट बाई लश्कर ए तैयबा, इसने किया था, विच इज पैटर्नाइज. ठीक है, जिसको कौन हेल्प करता है भाई? पाकिस्तान. The same group was behind the those in Mumbai terror attack and by perpetrators came by boats from Pakistan. बहुत ही बदतमीज़ है ये वाला डिपार्टमेंट, ख़त्म कर देना चाहिए लश्कर ए तैयबा को. Invasive, moving into all areas, something, चारों तरफ जाना, offensive, military attack. Patronize कर देना. जब कोई किसी को patronize करता है तो देखो क्या होता है, to speak or behave towards someone as if they are stupid or not important. राइट, आप किसी को बेवकूफ बना के उन्हें अपने साइड में ले लेते हैं. फन फैक्ट अबाउट लश्कर ए तैयबा, ये तो कतई नहीं पढ़ना है हमें, बस जानना चाहिए, बट नाराज है, गुस्सा है, हम बॉयकॉट करते हैं इसको, है ना. इंडिया हैज ट्राइड टू पनिश पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप इन रिसेंट ईयर व्हिच हैज शोन सम सक्सेस. इंडिया ने पाकिस्तान को ऑलराइट कई बार मतलब इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है, पनिशमेंट की बात की गई है बॉस. और ट्रेड जब आप पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया जाता है तो फिर बहुत नुकसान होता है पाकिस्तान का, याद करो. या द एंट्री ऑफ ड्रोन्स कॉल्स फॉर ए मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू टेररिज्म. अब जब हमारी इस नई दुनिया में नए सिनारियों में ड्रोन्स आ गए, तो अब हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा अलर्ट, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ रडार सिस्टम बहुत तगड़ा करना पड़ेगा. ऑलराइट,
Target groups do capitalize on stage patronage, but technology too is enabling them to be autonomous in an unprecedented fashion. अब जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको स्टेट मतलब कोई कंट्री जैसे पाकिस्तान है उस पर तो वो रिलाई करते ही हैं हेल्प के लिए और गाइडेंस के लिए और सब चीज़ के लिए, लेकिन ये टेरर ग्रुप एक तो पाकिस्तान की हेल्प और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की हेल्प और सेकेंडली यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके लिए। बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इंटू मिसाइल्स 2001 में, ठीक है। टेररिज्म हैज़ कम ए लॉन्ग वे एंड वन कैन नॉट फोरसी वेयर इट विल गो नेक्स्ट। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि टेररिज्म कहाँ पहुँच जाएगा। Alright, enhanced international cooperation consensus agreement on the development and deployment of technologies are required to deal with the challenge. The world need to come together. Okay, needs to come together. पूरी दुनिया को साथ में आने की ज़रूरत है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सिंगल हैंडेडली नो कंट्री कैन फाइट टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इंडिया कैन एंड मस्ट टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस, और इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। चलिए, परपिट्रेटर्स होते हैं जो क्राइम करते हैं, पैटर्नेज एज अ सपोर्ट गिविंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, कंसेंसस जानते हो, आइडिया ओपिनियन एग्रीमेंट, इसको जरूर पढ़ेंगे। या वी शुड नो, क्या पता ऐसे राइटिंग आ जाए यूएबी के ऊपर, है ना। तो एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ओके, अ मॉडल एयरप्लेन इज अ ड्रोन। ऑलराइट, ड्रोन्स आर लाइक सर्विलेंस कैमराज की तरह होते हैं। ओनली द पुलिस एंड द मिलिट्री यूज ड्रोन्स। पुलिस नीड अ वारंट इफ दे आर फ्लाइंग अ ड्रोन बिलो 400 feet। पुलिस को भी वारंट चाहिए होता है, दैट्स फनी ना। द ट्रू इन्वेंटर ऑफ रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट दैट कुड फ्लाई आउट ऑफ साइट वॉज एडवर्ड एम सोरेनसेन एज एविडेंस बाई हिज US patents. They manufactured nearly 50,000 drones for the army during World War. ये आपको याद रखना है। अब see why this fun fact is important, why this bullet point is very very important. When a topic, when a keyword, political, social, you know, economy or technical, anything, if it's in news now, it's gonna be in the classroom, it's gonna be in the exam hall, it's gonna be in the interview room, essay writing, understood? जब कोई कीवर्ड मार्केट में चल रहा होता है उसी के आसपास सब लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, ये हिंट है, ये पेपर आउट है, समझ गए? इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, कि अपने आप आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। इसको पढ़ लीजिए, क्या पता आप मुझे थैंक यू बोलो 6 महीने बाद एक साल बाद कि सर हाँ वो आया था, आपने बोला था, उस पर क्वेश्चन बना था, हो सकता है 2 महीने बाद आप थैंक यू बोलो मुझे, ठीक है। UAV आर मिलिट्री एयरक्राफ्ट दैट आर गाइडेड ऑटोनोमसली बाय रिमोट कंट्रोल और बोथ दैट कैरी सेंसर टारगेट डेजिग्नेट ऑफेंसिव ऑर्डिनेंस अटैक वाले ऑफेंसिव होंगे ना, अटैक करने वाले, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर्स डिजाइन टू इंटरफेयर विद द डिस्ट्रॉय एनिमी टारगेट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? जल्दी बताइए। ऑलराइट, आइए पहले हम सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको दो पैरा जंबल्स हैं वो आप खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो अभी कर लेते हैं, है ना, अभी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। मैंने ऑप्शन के साथ लेके आया हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। ऑलराइट, कितना लोग है पैरा जंबल डिस्कस करना चाहता है? चाइल्ड लेबर द प्रोसीजर दे आर पेड मिनिमम, ओके, हाउएवर दिस पेरेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव द ऑप्शन। सेकंड्स में आंसर बताइए, सेकंड का आंसर, कम ऑन। अरे ऑप्शंस हैं दोस्त आपके लिए, एंजॉय द शो। आप में से किसी ने बोला था कि सर वी वॉन्ट पैरा जंबो,
अरे बहुत सारे लोगों ने सही कर दिया, आई एम इम्प्रेस्ड. सी रोल्ड आउट एंड रोल्ड आउट, ऑफकोर्स रोल्ड आउट दीज लिखा हुआ दीज पेरेंट्स, पता नहीं कौन से पेरेंट, आई हैव नो आइडिया. इनकम्प्लीट पार्ट कैन नेवर बी द ओपनिंग पार्ट. ऑलराइट, हाउएवर ट्रांजिशन वर्ड रोल्ड आउट. ऑलराइट, दे आर पेड. हु आर दीज गाइज, डू यू नो देम? नाउ सी डी ई रोल्ड आउट है ना, बट सी डी से कोई ऑप्शन ही नहीं था. द प्रोसीजर ऑफ द कन्वर्टिंग डैम, कौन है ये डैम, लेट्स फाइंड आउट. मजा आया, मैं सोच रहा था अगर सी डी ई, इफ देर वॉज वन ऑप्शन फ्रॉम सी ई डी ना, रूल्ड आउट. फाइनली बी फाउंड कि बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो दो ऑप्शन तो गया हमारे पास, नाउ वी आर लेफ्ट विद ए सी एंड ए बी. इफ आई कैन डिसाइड ए सी ए बी, आई गॉट माई आंसर. इफ बैंक में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मजा नहीं आ जाएगा मेरे बंदे लोग. आप लोग 10 सेकेंड में सॉल्व करोगे, 15 सेकेंड में पैरा चंबल, बाकी लोग कान खुजाते रहेंगे है ना, और आप सेकेंड्स में सॉल्व कर दोगे. आई नो आई नो. चलिए, तो बस ये सब प्रैक्टिस कराने के लिए, दिखाने के लिए कैसे ऐसे हो सकता है, आपको भरोसा दिलाने के लिए कराया है. Child labor is the use of children who provide goods and services. They are employed by the producer at minimum wages, which makes them susceptible to violence and injustice activity. ठीक है, they are paid minimum. कौन? बच्चे लोग. All right, my friend. Part of the sentence. एक और कर लीजिए. A A A B से स्टार्ट हो रहा है. देखते हैं कौन बता सकता है. Which one is correct, guys, and why do you think so? Totally cool. A E was obvious pair. Keyword approach बहुत तगड़ा काम करती है. Loved it. The question सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए थे कि can you observe flow of information, short form, full form, same keyword, continuity of information. Good job. आइए कुछ और करते हैं. इन द फॉलोइंग विलो क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इज गिवन विद थ्री वर्ड्स इन इटैलिक. ऑलराइट, 1 2 3 करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है. विनेश हैज ब्रॉट इवेंट्स टू द कंट्री इन मैनी लॉरल्स. ही इज सो फेयर द बोन बोनस्ट फ्रॉम इंडिया हु हैज क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स. एक शब्द की कीमत तुम क्या जानो, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये. यस नो, कोई है 5 सेकंड वाला? एनीवन? Anyone solved this question within 5 seconds? क्योंकि मुझे idiom दिखाई दिया. Yes. कैसे पता चला कि 5 सेकंड का है? जैसे Venus has brought laurels. Events देखा और laurels देखा. तो जब आप अपने, ठीक है, सोने का तगमा गोल्ड लेके आते हैं, सिल्वर लेके आते हैं, ठीक है, प्राइज पुरस्कार, चलो एक और करिए. द 25-year-old बर्थ द इंडियन टीम लीडिंग टू द टोक्यो ओलंपिक्स. हो गया जी, क्या 5 सेकेंड ऑल्सो. Also 5 सेकेंड. अब मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे किया.
Yes. See, the 25-year-old, ठीक है ना, had simple. I need verb, है ना? I need verb. This is not verb. This is verb. This is not verb. See, से start होने वाला एक ही था, इसलिए आसान था. देवियों और सज्जनों, डू यू वॉन्ट वाउ फैक्टर, से यस और नो? क्या मैं आज आपको एक ऐसा वाउ फैक्टर बता दूं जो आपने कभी नहीं सुना था? एनीवन? आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे, मुझे आपकी दिल की आवाज पता है. ठीक है, तो सुनिए. बी आई आर टी एच, हैप्पी बर्थडे टू यू. समझ गया, ये तो सब जानते हैं वर्थ, बट बी ई आर टी एच. ठीक है, दिस वर्सेस दिस, सब लोग लिख लीजिए. ऑलराइट, वाव फैक्टर को तो मिस मत करो कभी भी. ठीक है, तो ठीक है, अ थिंग, ठीक है, ऐसे लिख लो, दैट वी ब्रिंग, That we bring to a place, bring to a place. All right, to stay. जब कोई चीज हम लेके आते हैं कहीं पे स्टे कराने के लिए, रखने के लिए. All right, all right, all right. देखो इसके कई सारे मीनिंग हैं. एक तो लोग बोल रहे हैं कि या ट्रेन वाली, ठीक है, यस, ट्रेन वाली बर्थ. और एक चीज़ भी होती है जो कहीं हम चीज़ पर स्टे करने के लिए रखते हैं. एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग सोते हैं, ट्रेन में हो गया, शिप में हो गया, बर्थ कहीं पे भी हो सकती है, स्पेशली ट्रेन में होती है, बस वगैरह में तो सीट होती है ना, बोरिया बिस्तर. बिल्कुल सही बोला, बोरिया बिस्तर, अपना फुल देसी वर्ड. चलिए अब इसको ट्राई कीजिए. इन द गिवन सेंटेंस सम वर्ड्स आर हाइलाइटेड, one of which may be wrongly spelled or inappropriately used in the context, choose that word. Answer: excitement, distinction, spring and redemption. Which one is wrong? Contextually wrong or grammatically wrong? Come on. EXCI, all right, TEMENT, सही लिखा है ना? All right, the unlawfully, अब ये सही है गलत है? The unlawful conditions for themselves, all right. What do you think? Anyone? कोई करेक्ट कर सकता है इसको? चैलेंज करता हूं. चलिए, ना 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 ना, एक्साइटमेंट समझते हो? यू विल गेट अ जॉब नेक्स्ट मंथ, ये यू विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ. My point is, excitement is a different word. But my friend, the unlawful conditions were themselves. Matlab, chaos, drama, ho halla, hooligans, sab kuch ho rakha hai. Excitement hoga gaya. Incitement, galat word tha. Incite jante ho, bhadka dena. Mujhe pata tha, tum log thoda extra excited ho gaye the na. ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जाम के लिए आया हुआ है. इनसाइट जानते हो, भड़का देना, प्रवोक कर देना, ये जाएगा. स्पेलिंग तो सही था. चलिए नंबर सिक्स. ये क्लास जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, स्टार्टिंग से देखना, एरर प्रैक्टिस करना. ऑलराइट,
Select the option that best conveys the meaning of the underlying idiom in the sentence. Upset the apple cart. Very interesting idiom, my friend. Yes, to do something that caused the plan to go wrong. कुछ भी ऐसा वैसा कर देना कि प्लान कैंसिल हो जाए. All right. Number 7, direction पढ़िए. In the question given below, the two words have been highlighted in the sentence, followed by 5 words option, which each option last one comprise of pair of words in which the first word is synonym of the first highlighted word. Direction अगर आपको समझ में आ गई, दो नंबर इसी बात के. Anyone? कौन कौन समझ पाया? कौन कौन विजुलाइज कर सकता है? आइए बता देते हैं. आपको दिख रहा है एक ये और ये. सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ. देखते हैं कौन पकड़ता है. Important as these findings might be, जितना भी important हो सकता है, the verdict in the Salamat Ansari is not a product of any interpretive ingenuity. What does that mean? तो ये क्वेश्चन है कि वी हैव अ सेंटेंस. क्या पता ऐसा पूछा जाए, ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया है. वी हैव अ सेंटेंस, फिर जब वन वर्ड सेकंड वर्ड, तो वी नीड टू लुक फॉर अ पेयर व्हिच हैज व्हिच इज हैविंग द सिनोनिम एस वाई एन ओ, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड एंड एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. तो वी नीड टू लुक फॉर अ पेयर सिनोनिम. तो एक्सटेटिकल मीन्स होता है एक्सप्लेन करने वाला, इंटरप्रेट होता है एक्सप्लेन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला. तो दिस और दिस इज सिनोनिम. इंजेन्युटी होता है जब स्किल, टैलेंट, क्रिएटिविटी, और डलनेस क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया एटलीस्ट तो थम्स अप दे दीजिए. एनीवन? एलिमिनेट कर दिया. ऑलराइट. एक्सटेटिकल सर्व टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेटिव वाला डलनेस रहना चाहिए, एक्सकल्पेटरी ठीक है, एक्सोनरेटिव किसी को माफ़ कर देना, इलूसिडेट एक्सप्लेन करना, क्रिएटिव इनोवेटिव इंस्पिरेशन म्यूज. कुछ लोग चांद सितारों को ठीक है, बहते हुए झरने को, पहाड़ों को देख के कविता लिखते हैं. कुछ लोग कविता को देख करके कविता लिखते हैं, समझ रहे हो? तो हर किसी का एक अपना म्यूज होता है. कोई चांदनी रात में बैठ के ठीक है, कुछ चंद सितारों की कविता लिख देता है म्यूज़. तो समथिंग दैट एक्साइट्स यू, अ सब्जेक्ट जो आपको इंस्पायर करता है कुछ लिखने के लिए, दैट इज़ म्यूज़. ऑलराइट. मतलब गाली बन जाना चाहे कैसे भी, किसी की गालियां खा के गालिब बनो. ऑलराइट. या चंद सितारों को देख के गालिब बनो, किसी ने दिल तोड़ दिया तो गालिब बनो. तुम जैसे भी हो जैसे भी बनो, क्या है गालिब बनो. तो म्यूज तो आपका एक सब्जेक्ट होगा, आप जिससे आप इंस्पायर होगे, एम यू एस ई. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव अमंग द 5 ऑप्शन टू प्रोवाइड द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइलाइटेड. डिप्लॉयमेंट, और इसका ऑपोजिट बताना है. डिप्लॉयमेंट आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है ना. आइडल, देखो डिप्लॉय एक्टिव कर दिया, आइडल नो नॉट एक्टिव.
an action, not active. Cessation, any activity stopped. Hence, first, second, fourth. Yeah. Good job. Last two questions, guys. 10 out of 10 में आपका स्कोर कैसा रहा जरूर बताइएगा. ओके, आई वॉन्ट योर स्कोर. 10 आउट ऑफ 10. लास्ट 10 क्विज, 10 आउट ऑफ 10. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. फ्रेज रिप्लेसमेंट. वाह. एनीवन, डिस्पाइट ऑफ इट्स थ्रेट्स टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, नॉर्थ कोरिया स्टिक्स टू द सेल्फ इम्पोज्ड मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट. क्या बात है, खुद पे ही बैन लगा लिया. इन स्पाइट के साथ ऑफ मिसिंग है, देयर गलत है, डिस्पेशल ऑफ नहीं आता है. सुपर सुपर इजी ना. प्रकाश मिश्रा जी, थैंक यू प्रकाश जी. ठीक है, आई होप आपने मेरा पैरा जंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा. ओके, नहीं किया है तो ढूंढ लो मुझे कहीं ना कहीं पे. एन अकेडमी का प्लस वाला प्रोग्राम है, यू नो, और पेड क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस, और यूट्यूब तो है ही है, सब पढ़िए. नंबर 10, थैंक यू. सारी क्लासेस को देख के लोग पूरा आपका मार्क्स लेके आते हैं, 80-90%, 95%, 100%. पढ़ते रहिए. The Reserve Bank of India's move on Wednesday to step in and join the fight against the second wave of the pandemic through the announcement of measures aimed at alleviating any financial constraint for those impacted have been a welcome and timely intervention. ये पूरा क्वेश्चन एसएसपी अप्रोच पे था. एवरीबॉडी, इफ यू बिलीव इन एसएसपी अप्रोच, टाइप एसएसपी अप्रोच हैशटैग. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एसएसपी, सात समंदर पार अप्रोच. सब्जेक्ट हेयर, वर्ब देयर. समझा कि नहीं? ऑलराइट, सब्जेक्ट, योर स्कोर प्लीज एवरीवन. अपना अपना स्कोर बताइए सब लोग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अभी मिलते रहेंगे. अभी हम 2 बजे क्लास पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिक एरर वाला जो क्लास है, बड़ा पॉपुलर वाला, 2 PM सेशन आएगा, एक्टिव हो जाएगा आज से. रात को 9 PM मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, यस, तेरे पीछे पीछे आ गई. गुड जॉब. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. अपने दोस्तों को बताओ. क्लास रिज्यूम हो गई है, अब चलता रहेगा इस महीने. अब प्री तो हो ही रहा यार, 10, 11, 12, 13 को मेंस होगा. अब देखिए मज़ा आएगा. सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, यूट्यूब पे भी, प्लस पे भी, और स्पेशल पे भी. 3-3 बार रिविज़न कराऊँगा. ठीक है, एक भी बंदा फेल नहीं होगा. अब समझे, सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हर कोई राजा बनेगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. लाइक करना, कमेंट करना, अपना स्कोर बताइए. ऑल द बेस्ट.